भैया आइसक्रीम देना। ए ये आइसक्रीम हमें दे। क्यों? मैंने खरीदी है, तुम भी खरीद लो। दे रही है कि नहीं? छोड़ो मेरी आइसक्रीम, छोड़ो। तू जा अपना काम कर। आ गए ना? वो दोनों जबरदस्ती मेरी आइसक्रीम छीन रहे थे। अगर कभी मुसीबत में हो ना तो मुझे बुलाना, कार्तिक तुम्हारी एक आवाज में दौड़ा चलाएगा। नमस्कार। और गुड्डू भैया कैसे हैं आप? बढ़िया है गुड्डू भैया। बस्ती वालों से कुछ जरूरी बात करनी थी। चलिए चलिए। वालों, आज मैं आप लोगों से कुछ जरूरी बात करने आया हूं। आप सबको पता है मैं इसी बस्ती में पैदा हुआ हूं। अगर मैं यहीं रहता तो क्या मिलता मुझे? मैं भी आप लोगों की तरह कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जी रहा होता। आज मेरे पास क्या नहीं है, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपना कारोबार है और ढेर सारा पैसा है। अब इसमें हम लोग कर ही क्या सकते हैं? आप लोगों को जो करना था आप कर चुके, अब आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। भविष्य की क्या सोचे भैया, दो वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए वही बहुत है। मैं यहाँ से निकला, आज देख लो मुझे, सब कुछ है मेरे पास। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बच्चों के भविष्य को संवारना चाहता हूँ। मेरी मानो आप अपने बच्चों को मदरसे में भेज दो, वहां उनको अच्छी तालीम, अच्छा खाना और रहने को सहूलियत सब कुछ मुफ्त मिलेगा। और तो और मदरसे के लोग वक्त बे वक्त आप लोगों की मदद भी करते रहेंगे। मतलब कि हम लोग अब लालच में पड़कर अपना धर्म बदलने क्या? अरे धर्म बदलने को कौन कहता भाई, पहले अपने बच्चों को भेजो तो सही। जब आपको लगे आपका बच्चा आगे बढ़ रहा है तब इस बारे में सोचना। राजू ठीक कह रहा है सतीश, यहाँ हमारे बच्चों को क्या मिलेगा? बस भूख, गरीबी, बेरोजगारी और बड़े होके चोर बनेंगे, ग्रेकेट बनेंगे, टप्पेबाजी करेंगे और जेल की हवा खाएंगे। समझे सतीश? बात तो तुम सही कह रहे हो गुड्डू, मगर अगर मगर छोड़ो, कल मैं मदरसे के लोगों के साथ यहाँ फिर आऊँगा। जिनको भी अपने बच्चों को भेजना है भेज देना, सारी गारंटी मेरी होगी। अरे राजू भी आपका बेटा है, भाई है, भतीजा है और सबसे बड़ी बात इसी बस्ती का है। मैं इन बच्चों के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करूंगा, भरोसा रखिए। समझ में आया सतीश? बस्ती वालों, आज आपके सामने देवता मौजूद है, मौलाना जब्बार अली, मौलाना बरकत अली
और मौलाना वाहिद अली जो बिना किसी धर्म जाति के बंधन के आपके बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं, आपके बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहते हैं। बाकी बातें मौलाना बरकत अली आपसे खुद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारी नजर में हर बच्चा फरिश्ता है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति और किसी भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात का हो। हम सबको अच्छी तालीम देना चाहते हैं, अच्छा खाना पीना देना चाहते हैं, अच्छी रहन सहन देना चाहते हैं, और ये सब मुफ्त मुहैया कराएंगे। राजू इस बात की मिसाल है। मेरी भी आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान दें, उन्हें मदरसे जरूर भेजें। हमेशा याद रखिए कि तरक्की का रास्ता तालीम से जाता है। जब तालीम अच्छी होगी तो तरक्की करेगा बच्चा। अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, एक अच्छा इंसान बनाइए। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि अपने बच्चों को मदरसे जरूर भेजें। क्या हो सतीश, तुम्हें अपने बच्चे का भविष्य नहीं बनाना है क्या? तुम भी तो भेजो अपने बच्चे को। कोई गरीबी कोई शिक्षा के नाम पे शोषण कर रहा है, पता नहीं कहां कहां से लोग चले आते हैं। अरे कार्तिक, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे शैतान होता जा रहा है। हम लोग नगर निगम से आए हुए हैं, आप लोगों को सूचित किया जा रहा है 10 दिन के अंदर पूरी जमीन खाली करा दी जाए। अगर आप लोगों ने जमीन खाली नहीं करी तो मजबूरन हमें सरकारी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और नहीं तो बुलडोजर चलाकर इस जमीन को ध्वस्त कर देंगे। ए भैया, हम लोग जन्म से रही है सरकारी जमीन की बात कर रहा है, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। कौन है आप लोग? नगर निगम से। नगर निगम से ये 10 दिन का ऑर्डर मिला है, बस्ती खाली करनी पड़ेगी। आप लोग परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। जनाब, मैं इस समय चंदन बस्ती में हूँ, यहाँ पर कुछ नगर निगम के अधिकारी आए हुए हैं। जी हाँ, ये बेचारे गरीब मजदूर लोगों को परेशान कर रहे हैं। हाँ आप ज़रा देख लीजिए। जी 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 कार्तिक, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई मर नहीं सकता। तुम नाहक परेशान हो रहे, हमारे साथ चलो। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, आओ हमारे साथ। अलिफ अलिफ बे बे ते ते से से अलिफ अलिफ बे बे ते ते से से अलिफ अलिफ बे बे ते ते से से। बेटा तुम आओ, आगे का पाठ तुम पढ़ो। अलिफ अलिफ बे बे ते 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 से से जीम जी
दीन इस्लाम के नमूने वाले सुनो, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि हमने तुमको इस जिंदगी में सब कुछ अता किया है, पेड़ों पर फल लगाए, नहरों में पानी दिया, खेतों में फसलें दी, हमने तुम्हारी हर जरूरत पूरी की, तुमने जो भी चाहा हमने तुम्हें अता किया है, बस तुम इतना करो, मस्जिद की तरफ रुख करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखो और तिलावत करो। ये रोजा क्या होता है? रोजा का मतलब व्रत। तब तो मैं भी रोजा रखूंगा। इस रमजान तुम रोजा अवश्य रखना, जरूर रखना। एक बात और, अल्लाह ने कुरान में कहा है गरीबी और मुफलिसों की इमदाद करो, मदद करो उनकी, नेकी की राह पर चलो, तुम्हारी नेकी ही तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाएगी। हम सब उसी मालिक के बंदे हैं, इसलिए हमें इंसान के काम आना चाहिए। बच्चों आज इतना ही, शाम को मौलाना बरकत तुम लोगों से मुखातिब होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इस्लाम का रुतबा बुलंद करो, इस्लाम का परचम सारी दुनिया में फैला दो। इस्लाम की राह पर ना चलने वाला हर शख्स काफिर, काफिर से जीने का हक नहीं है। हमें अपने मकसद में कामयाब होना है, इसके लिए हमें दिल और दिमाग से काम लेना होगा, हथियार चलाना सीखना होगा। अब ये चलने फिरने को भी मोहताज हैं, बोल भी नहीं सकते, इसी मदरसे में रहते हैं, कभी कभार कमरे से बाहर आ जाते हैं। अब मौलाना जब्बार तुम लोगों को हथियार चलाना सिखाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, लड़ो, फायर, लड़ो। वो देखो, वो है काफिर। गौर से देखो, सामने काफिर। हम लोग लगाओ, शाबाश, लगाओ कार्तिक, लगाओ निशाना, शाबाश, आओ। कार्तिक, लगाओ निशाना, लगाओ, फायर। मारो, जोर से मारो, लगा, शाबाश, लगाओ। कार्तिक, तुम अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुम्हें काम सौंपा, आओ बंदो, लगाओ निशाना, मारो काफिरों को, चलाओ, शाबाश। क्या बात है कार्तिक, क्या बात है बेटा? अब्बू की याद आ रही है। अब्बू की याद आ रही है, वो तो ठीक है, मगर मगर क्या, मगर क्या? मैं बताता हूँ, बहुत दिनों तक छुपाए रखा, मगर अब छुपाना मेरे बस की बात नहीं। तुम्हारे ही लोगों से तुम्हारी खुशी नहीं देखी गई, जालिम काफिरों ने तुम्हारे बापू का बेरहमी से कत्ल कर दिया। क्या? तेरे बापू को मार दिया? इस्लाम के सिपाही रोया नहीं करते बरखुरदार, आज से हम तुम्हारे अब्बू हैं। चिंता मत करो, तुम्हारा अब्बू तुम्हारे साथ है। जाओ। बरकत मियां, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। नई कौम के भीतर जो आप जहर भर रहे हैं, नफरत का जहर, बहुत खराब बात है। अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा अल्लाह आपको। कैसे आना हुआ राजू मियां? इधर से गुजर रहा था, सोचा आपको सलाम करता चलूं। आला कमान तुम्हारे काम से काफी खुश हैं। जिस तरह से तुम काफिरों के बच्चों को इस्लाम की राह पर ला रहे हो, वाकई काबिले तारीफ है।
जी। तुम्हारे पैसे पहुंच गए होंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपका हुक्म सनाखों पर। अरे हुजूर, बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे। जी हाँ, छोटे उम्र के बच्चों का मैं खतरनाक गैंग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये समझ लीजिए, काम शुरू हो चुका है। हथियार चलाने में माहिर कम उम्र के छोटे लड़के करेंगे काफिरों का कत्ल। जी जी, खुदा हाफिज। कार्तिक, तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की हिफाजत के लिए चुना है, तुम मुसलमान हो, मुसलमान। कार्तिक, तुम्हारे अब्बू को काफिरों ने मारा था, काफिरों और मुनाफिरों से सिर्फ जिहाद करो। ये लो पिस्तौल और लगाओ निशाना, मारो। क्या हुआ कार्तिक, भूल जाओ सब कुछ, अब तुम दीन इस्लाम के सिपाही हो, भूल जाओ अपना घर और परिवार, अब बस अपने दिलो दिमाग में इस्लाम को जिंदा रखो। बस एक बात याद रखो, तुम मोमिन हो, मोमिन, मोमिन। उठाओ और लगाओ निशाना, मारो। अच्छे कपड़े हैं, ना महंगा मोबाइल है, मुझे फ्रीडम चाहिए, जैसे जिंदगी जी जाती है। मुझे नहीं करनी शादी। माँ, मुझे ना मेरे सपनों का राजकुमार चाहिए, जो पैसे वाला हो। बेटा, हम लोग मिडिल क्लास लोग, जितनी इनकम है उतना ही खर्च करेंगे ना, समाज को देख के चलना पड़ता है, पर जितनी ज्यादा रख उतना ही पैर फैलाना चाहिए। लालच बुरी बला, इन पैसों के चक्कर में मत पड़ो। एक बार इस दलदल में फंस गई ना, तो इससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरे पास नॉर्मल मोबाइल है और मेरे दोस्तों के पास आईफोन है। अरे तो क्या हुआ, फोन तो है ना। मुझे मत समझाओ समाज धर्म, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अरे सुन, आजकल के बच्चे किसी की नहीं सुनते, जब गलत कदम उठा लेते हैं तब पछताते हैं और माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला के रखते हैं। अरे मेरी तो सब्जी ही जल रही हो। क्या मैं आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकती हूँ? एक्चुअली मेरा एक फ़ोन घर पे छूट गया है और इस वाले फ़ोन में बैलेंस ख़त्म हो गया है। ओके श्योर। थैंक यू। वेलकम। हेलो, कौन? सॉरी, ये नंबर गलती से डायल हो गया।
कल किसी लड़की ने मेरा फोन लेके इस नंबर पे कॉल करी थी। आई एम रियली सॉरी। अच्छा अच्छा, हेलो। तो फिर अभी क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, आप बताओ। अच्छा, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। वैसे कल आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, मैं तो बस आपको देखता ही रह गया। और वैसे अभी क्या कर रहे थे आप? और तो स्टडी कर रहे थे, आप बताओ। बस मैं भी आपको ही याद कर रहा था, आपका चेहरा भूला ही नहीं जाता मेरे से। अच्छा, कब मिलेंगी आप? जल्द ही मिलेंगे। जल्दी? कितना जल्दी? कोई फिक्स टाइम? अच्छा, आप आराम से बता दीजिएगा। टेक योर टाइम। प्रिया, क्यों ना हम इस दोस्ती को प्यार में बदलें? मतलब? आई लव यू प्रिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहोगी? लेकिन प्रिया, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या? बोलो। मैं मुसलमान हूँ। क्या? इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई? मुझसे झूठ बोला तुमने? प्रिया, प्रिया। सलाम चाचा, और सब खैरियत? मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम चाचा। बैठो। कार्तिक, आला कमान तुम्हारे काम से बहुत खुश है। अब तुम्हारा खर्च भी बढ़ा दिया गया है। अब तुम हर महीने 50,000 तक ले सकते हो। जी, बहुत शुक्रिया। बस एक बात का ध्यान रखना, हमारा मिशन कामयाब होना चाहिए। लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। प्रिया प्लीज मेरी बात सुन, प्रिया प्लीज मेरी बात सुन लो। प्रिया सॉरी, मैंने तुमको दोबारा रोका। आई लव यू प्रिया। कितनी बार कह चुकी हूँ कि तुम मुसलमान और मैं हिंदू हूँ, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता ऐसा। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। प्रिया तुम बोलो तो मैं मस्जिद चल के कसम खा सकता हूँ कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और ताउम्र तुम्हारा साथ दूंगा।
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कार्तिक, ये कहाँ ले आए मुझे तुम? अब्बू से मिलवाने लाया हूँ, तुम दो मिनट यहाँ बैठो, मैं अभी उनको लेके आता हूँ। अब्बू, चिड़िया पिंजरे में फंस चुकी है, अब मेरा काम खत्म। शाबाश कार्तिक, इसका इनाम तुम्हें अलग से दिया जाएगा। जब्बार, काफिर की हरामजादी कमरे में बैठी है, जाओ दावते आम कर दो और उसके बाद उसे इस्लाम कबूल करवाओ। अगर इस्लाम कबूल ना करे मार के फेंक देना। बस एक बात का ध्यान रखना, लीवर, खुर्दा, आंखें और भी जो जरूरी चीजें हैं निकाल लेना। दुनिया के बाजार में इन चीजों की ऊंची बोली लगती है। जाओ। पिंजरे में कैद है पर नीचे जा रहे हैं। तुम यहाँ क्या बैठे? फसल की रात है, जाओ मजे। मैं कार्तिक, लेकिन तुम यहाँ कैसे? वो कुशल। कौन कुशल? मेरा बॉयफ्रेंड, वही कशाम, जिसका नाम कुशल है। कार्तिक, ये क्या कर रहे हो तुम? ये हमारे मिशन के खिलाफ है। कार्तिक, ये तुम्हारे बापू का प्यारा है, इसने ही तुम्हारे बापू का कत्ल किया है। इसके हाथ में वही जान जा रहा है जो उसके हाथ में था। इसने बोले भटू देखा है। तूने मेरे बापू को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
कार्तिक, कार्तिक रुको, कार्तिक को तो छोड़ दो, ये तुम्हारे भाई जैसा है। इसके हाथों मेरे बाबू को मरवा के बोलते हो कि मेरे भाई जैसा है। सावधान, चौंको मत, मैं हूं यहां का आला कमान बाबा चिश्ती। तुम्हारे जैसे प्यादे मेरे मिशन का क्या बिगाड़ेंगे? जानते हो विदेशों से कितना पैसा आता है इस काम के लिए? तुम्हारे जैसे लाखों लोग लगे हैं लाइन पर। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आंखें खोल, साहब आ रहे हैं। आंखें खोल वरना तेरी आंखें निकाल लूंगा मैं। इंस्पेक्टर शिफ्ट कहते हैं मुझे। इससे पहले कि शिफ्ट का तीसरा नेत्र खुले, मेरे हर सवालों का जवाब सही सही दे, वरना तुझे भी जन्नत की उन हूरों के पास भेज दूंगा जहां तेरे और साथियों को भेज दिया है। पहले तू ये बता कि कहां से आया है तू, कौन है तू और कब से काम कर रहा है, बोल। लव जिहाद को अंजाम देना है मेरा काम। मेरे जैसे हजारों युवक पूरे हिंदुस्तान भर में घूम रहे हैं, किस किस को रोक लोगे? जब्बार और बाबर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे ये पता चला है कि लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए इस्लामिक देशों से काफी पैसा है। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की मां बेटियों के साथ धोखा होता है हर साल। लव जिहाद धर्म परिवर्तन और प्यार के नाम पर तुम लोग हिंदू लड़कियों का मर्डर करते हो और उनका रेप करते हो। क्यों ऐसे ही प्लान पे काम कर रहे हो ना? हाँ बोल। हिंदुस्तान की बहनों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि किसी के बहकावे में ना आए। इस देश में ऐसे हजारों बहरूपिये घूम रहे हैं जो हिंदू ना होते हुए भी माथे पे तिलक लगाए रहते हैं और हाथ पे ये पवित्र कलावा बांध लेते हैं और हम उन्हें हिंदू मान लेते हैं। उन फिराक परस्ती से सावधान रहें जो महंगे कपड़े, शानदार गाड़ी व हाथों में महंगे फोन रखते हैं। ऐसे दिखावे में पड़ के लव जिहाद को बढ़ावा ना दें। ऐसे लोग आपके परिवार से बहुत जल्द संबंध बना लेते हैं और जरूरत पड़ने पे आपकी आर्थिक मदद भी करते हैं। फिर जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं।
यही सब मुझे भी सिखाया गया था। बहनों, अपनी, अपने परिवार की व सनातन धर्म की इज्जत कीजिए, इज्जत कीजिए।